आंटी क्या हुआ? मॉम आप ठीक है? सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम्हारे बाबा एकदम अलग ही इंसान बन गए हैं। मिसेज मोजेस आप फिकर मत कीजिए, हार्ट अटैक के बाद लोगों के साथ अक्सर ऐसा हो जाता है जैसे कोई दुनिया का बहुत ही खड़ूस आदमी हो तो कभी एक फरिश्ते की तरह बातें करने लगता है। लोगों में अक्सर ऐसे बदलाव हो जाते हैं, घबराइए मत। मिस्टर सलीम मेरे शौहर पहले से ही खुश मिजाज थे, मेरे कहने का मतलब है अब तो वो पत्थर दिल बन चुके हैं। उन्होंने मुझसे बहुत बुरा भला कहा, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ बेटा। तुम्हारे डैड ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। चलो आयशा। आयशा को नहीं, तुम्हें और नील को अंदर बुलाया है। नील को? हाँ। मुझे बुलाया है? नील को? नील को क्यों बुलाया? उनकी अपनी बेटी नहीं है क्या? मिस्टर हकीम ने सच में नील को बुलाने के लिए कहा है? उन्होंने नील को ही बुलाया मेरी बच्ची, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी। अब जाओ बेटा। मॉम तुम बैठ जाओ, खड़ी मत रहो, थक जाओगी, बैठ जाओ। भाई मैं सिसिल को ड्रॉप करके फिर वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, जाओ। कहाँ जा रही है तू? ये क्या कर रही हो माँ? चुपचाप यहीं बैठ जा। लेकिन मैं क्यों बैठूँ? उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे मिलना है। कहाँ ना बैठ जा, ये सब इनकी चाल है। तैमर, वो बहुत गुस्से में है, कहीं मुझे डांटेंगे तो नहीं? मुझे तो पहले से ही हकी सर के गुस्से से बहुत डर लगता है। नील डरना तो उन्हें चाहिए क्योंकि इस वक्त हम गुस्से में है। रुको डेमिर, उनसे ज्यादा बहस मत करना, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तुम जैसे नालायक इंसान को सुधारने के लिए उन्हें ये नाटक करना पड़ा। ठीक है, समझ गया। तेरे बिन आशिकी